तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आईटेल कलर प्रो 5G फ़ोन के बारे में एंड इसका अपना टॉपिक अलग है गाइस के अपने फ़ोन में गाइस कैमरे की हैंगिंग प्रॉब्लम को एंड वर्किंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। अगर गाइस आपके फ़ोन में कैमरा वर्क नहीं कर रहा है देन गाइस ऑन होते ही बंद हो जा रहा है तब उस टाइम पर कैसे ठीक कर सकते हैं अपने फ़ोन की कैमरे प्रॉब्लम को, सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। जानने से पहले गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले गाइज आपको मैं आपको आज के इस वीडियो में एक दो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन के कैमरा प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले गाइज आपको देखिए कैमरे पे क्लिक करना होगा। अब गाइज आपको इसके ऐप इन्फॉर्मेशन में चले जाना है। यहाँ पे गाइज आपको देखिए स्टोरेज का ऑप्शन बोल देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन पे क्लिक करके इसके गाइज जो स्टोरेज रहता है आप उसको क्लियर कर लेंगे। इस प्रकार से देखिए ओके करेंगे, आपके फ़ोन का गाइज जो भी कैमरे में डाटा था वो सारे का सारा क्लियर होगा। देन उसके बाद गाइज आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी कैमरे में अब बिल्कुल भी नहीं आएगी। अपन गाइज अब पूरा बैक करते हैं, फिर आपको कैमरे को ऑन करना होगा। अब गाइज आपको अपने फ़ोन के जो कैमरे की सेटिंग में चले जाना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर गाइज आपको देखिए रिस्टोर डिफॉल्ट का ऑप्शन बोलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर भी गाइज अपने फ़ोन की कैमरा सेटिंग को रिसेट कर लेना है। उसके बाद गाइज आपके फ़ोन में अब कैमरा कभी भी जो है हैंग नहीं होगा या फिर गाइस बंद नहीं होगा। आप अपने फ़ोन के कैमरे की इस प्रकार से प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं एकदम आसानी से एंड कोई दिक्कत जा रही कमेंट कीजिए। एक बार गाइस आपको अपने फ़ोन को पावर ऑफ या फिर रिबूट भी कर लेना है तो आप उससे भी ठीक कर सकते हैं। एंड अपन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय।